अल्लाम वरहि वर्का मैं अपने रब जलील के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है मेरा माल है मेरी औलाद है सिर्फ़ जो मेरा मददगार है वो सिर्फ़ अल्लाह है मेरे घाटे और नफ़े का मालक मैं मोहम्मद सफदर सईद कम्बो आपका भाई आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ आज जिस आइटम का मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेड में है और बड़ी डिसेंट सी हल्की सी शाइन में है बड़ी खूबसूरत चीज़ है बड़ी तोजह से देखिएगा आपकी बड़ी मेहरबानी जी बिस्मिल्लाह रिजी बिसम ये इसका पहला कलर मैं शो कराने जा रहा हूँ जी बहुत फ़ाल वाला बड़ा ख़ूबसूरत बड़ा नफीस कपड़ा है ये देखें ज़रा इसकी फ़ॉल हल्के से टेक्चर में है बहुत फ़ाल में है ये थ्री पीस में भी बेहतरीन है ख़ास तौर पे शादी ब्याह फंक्शन के लिए और शलवार कमीज के लिए भी बेहतरीन है बहुत खूबसूरत चीज़ है बड़ी नफीस आइटम है इसका ये कलर नंबर एक दूसरा इसका कलर क्रीम कलर है ये नहीं जी ये इसका कलर नंबर दो ठीक है जी छोटी सी मेरी ये वीडियो है तसली से देखें ये क्रीम कलर है इसका दूसरा ये इसका जनाब नेवी ब्लू कलर है ज़्यादा नेवी ब्लू ये ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं है ये रायल से अप है और नेवी से थोड़ा सा डाउन है माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत चीज़ है रेट इसका आपको इब्तदा में ही बताता चलूँ बाद में बात मेरे जहन में नहीं रह जाता अब तो बताता हूँ लेकिन एक दो वीडियो जो पहली नहीं बनी थी ना हमारी उसमें रेट नहीं बताया और वही वीडियो मेरी सुपर सुपरहिट होगी अच्छा जी ये कलर नंबर चार है इस आइटम का रेट है मेरा पाँच हज़ार आठ सौ पचास रुपये बड़ी ख़ूबसूरत बड़ी नफीस आइटम है छोटी छोटी ये ज़्यादा ये लंबी लाटें नहीं होती थोड़े थोड़े सूट होते हैं काइंडली ज़रा जल्द जो है ना वो मेहरबानी किया करें इसका रिस्पॉन्स दे दिया करें ये जे, जेट ब्लैक में है जी ये नहीं जी ये माशाल्लाह कलर देखें ये जेट ब्लैक में पाँच हज़ार आठ सौ पचास रुपये इसका रेट है जी बार बार मैं रेट बताता हूँ ये जेट ब्लैक में ये कलर इसके हो गए एक दो तीन चार और पाँच और ये इसका सिल्वर कलर है जी देखें कलर और ये सिल्वर कलर है छटा ये भी बड़ा प्यारा कलर है जी छह कलर हो गए और ये लास्ट इसका कलर है डार्क नेवी ब्लू कलर वो रॉयल ब्लू टाइप था ये डार्क नेवी ब्लू कलर है ये जी ये सात सात कलरों का ये सेट है जी और माशाल्लाह से सात के साथ ही इंतहाई खूबसूरत कलर हैं ये लें जी इसका ही थंबनेल बनाओ मैं अपने बेटे से कह रहा हूँ कि इसी कलर का थंबनेल बनाओ ये लें जी माशाल्लाह इसी का थंबनेल बनाओ सात कलरों का सेट है जी बड़े ख़ूबसूरत तरीन कलर हैं इसके और माशाल्लाह जदीद कलर स्कीम है इंग्लिश इंग्लिश कलर हैं बड़े प्यारे और बड़े ए, डिसेंट से कलर हैं इसमें इस सेट में बड़े डिसेंट कलर हैं ये लें जी ठीक है जी पाँच हज़ार आठ सौ पचास रुपये इसकी प्राइस है जी चार मीटर की कटिंग है चार मीटर में आप थ्री पीस भी बना सकते हैं और शलवार कमीज भी बना सकते हैं दोनों पर्पज़ के लिए ये बेहतरीन है और शलवार कमीज के साथ आप आ, हाँ शलवार कमीज भी बना सकते हैं आ, और थ्री पीस भी बना सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही ठीक है जी ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ है आ, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी मेहरबानी आप मेरी वीडियो को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और बड़े प्यार से मुझे फिर उसके मैसेज आते हैं बड़ा दिल खुश होता है जी अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे सलामत रहें आप एंड पे छोटी सी मेरी बात है ये तजारत की बात तो मेरी मुकम्मल होगी बस इतनी थी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जिसका अपनी औरतों के साथ अच्छा सलोक है बेहतरीन सलोक है बेहतरीन इंसान भी वो है जिसका अपनी ख़्वात के साथ अच्छा और बेहतरीन सलोक है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एंड पे मैं हर वीडियो के एंड पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ आज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है ना तो अपने सलूक अपने रवैये बेहतरीन रखें जितने अच्छे और बेहतरीन आपके रवैये होंगे ना आपकी ज़िंदगी उतनी ख़ूबसूरत और आसान हो जाएगी तो जो शख्स अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की बात को एक्सेप्ट करे माने और इस पर अमल दरामद भी करे उसकी ज़िंदगी तो पुरस्कून भाई होनी ही होनी लिहाज़ा ये मेरी ज़िंदगी में मुशाहे में ये चीज़ आई है कि जिन लोगों का इखलाक सलूक अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं रहा वो परेशान ही हुए और इतने परेशान हुए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता लिहाजा अपने सलूक को अपने रवैयों को दुरुस्त करें महब्बतें पैदा करें महब्तें बांटें अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करें ताकि रोज़े के आमत अल्लाह का सलूक भी हमसे अच्छा हो हम हमें पास मार्क्स मिल जाएं हम के हमारे ऊपर रब की रहमतें हो जाएं और हम हमको अल्लाह ताला बख्श दे तो ये आखिरी जो आखरत का मरला है ये बड़ा कठिन है लिहाजा उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा रवैयों को दुरुस्त करना चाहिए अल्लाह के मानने वालों को मैं ये अर्ज करता हूँ कि अल्लाह की भी माने अपने रवैये को अपने खिलाफ को दुरुस्त रखें बहुत शुक्रिया जजाकल्ला सलामत रहें सलाम्लिक वरह वा